नमस्कार, मैं नीता दुहलिया उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय योग विभाग की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। आसनों के क्रम में जो हस्त प्रदीपिका में वर्णित आसन है, अब जो अभ्यास हम करने जा रहे हैं वह छठा अभ्यास उत्तान कूर्मासन का अभ्यास है। परंतु यह अभ्यास करने से पूर्व आप कुक्कुटासन का भली प्रकार अभ्यास करेंगे। आप पद्मासन अच्छी प्रकार से लगा सके तभी आप यह अभ्यास कर सकते हैं। यह कुछ हद तक कठिन अभ्यास है, तो पद्मासन लगाने के बाद ही आप इस स्थिति में जा पाएंगे। किस प्रकार जाना है आइए देखते हैं। आप दंडासन की स्थिति में आते हैं। इससे पूर्व जो आपने कुक्कुटासन का अभ्यास किया था कुछ हद तक आप उसी स्थिति में जाते हैं। तो पद्मासन के बाद आप अपने हाथों को पैरों के बीच से इस प्रकार से निकालते हैं। आप देख सकते हैं दोनों हाथों को जितना अधिक निकाल जितना अधिक आप निकाल सकते हैं इस प्रकार से निकालते हैं। हट प्रतिपिका में जो वाणित अभ्यास है उसमें आप अपने गले को पकड़कर भूमि पर लेट जाते हैं, परंतु आपके शरीर में कुछ हद तक लुढ़काव आता है। तो आपसे मैं यही कहूंगी, जब आप प्रारंभिक स्थिति में पहली बार अभ्यास कर रहे हैं, आप जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो गले को सीधे ना पकड़े इस प्रकार से गले को सीधा ना पकड़े। आप पहले भूमि पर लेट जाएं धीरे से और हाथों को अधिक से अधिक निकाल, तत्पश्चात धीरे से गले को पकड़े और भूमि पर लेट जाए। पहले पहले अभ्यास करते हुए आप 15 से 30 सेकंड अभ्यास करेंगे। अभ्यास पूर्ण होने के बाद धीरे से हाथों को ढीला छोड़ें और आप चाहें तो धीरे से हाथों को निकाल भी सकते हैं इस प्रकार से, और फिर उठ जाइए, क्योंकि शरीर में लुढ़काव होने का पूरा पूरा चांस रहता है। तो इसलिए आप पूरी सावधानी से इसका अभ्यास करेंगे। ध्यान रहे, हाथों को पूरी तरह निकालने के बाद ही आप पूरे गले को उस प्रकार से पकड़ सकते हैं। भूमि पर लेटने के बाद ही आप गले को पकड़ें ताकि शरीर में अधिक लुढ़काव ना हो, जिससे आप इधर उधर गिर सकते हैं। और वापस आने के लिए भी आप पहले हाथों को निकाल लें और धीरे से दोनों हाथों के सहारे वापस आए। यह आपको अभ्यास करते हुए सावधानी रखनी है। अभ्यास अच्छी प्रकार से कर लेने के बाद ही यदि जब आपको लगता है कि आप गले को पकड़कर लेट सकते हैं तब आप अभ्यास करेंगे, परंतु पूर्व में आपको इसी प्रकार अभ्यास करना है। पैरों पर उसी प्रकार के इसके लाभ पड़ते हैं जिस प्रकार से कुक्कुटासन के लाभ पड़ते हैं। यह पैरों को लचीला बनाता है, साथ ही साथ आपके पैरों की मांसपेशियों में जोड़ों पर अधिक खिंचाव उत्पन्न करता है, आपकी कमर को लचीला बनाता है, आपके हाथों को लचीला बनाता है। यह अभ्यास आपके उदर के अंगों की मालिश करता है, इसका पूरा दबाव उदर प्रदेश पर रहता है, आपके कमर के अंगों की मालिश करता है। जब आप भूमि पर लेटते हैं पूरे शरीर का दबाव आपकी कमर पर रहता है। अभ्यास पूर्ण होने के बाद आप पुनः विश्राम की स्थिति में आते हैं। तो आप विश्राम की स्थिति में इस प्रकार आएंगे प्रत्येक अभ्यास के बाद।